कोंडागांव जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव संपन्न, रोहचंद्र माकलाम बने अध्यक्ष। कोंडागांव जिला पंचायत अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में नरेंद्र नेताम को अध्यक्ष पद से हटाने के बाद देवचंद्र माकलाम बने अध्यक्ष। CNI न्यूज कोंडागांव से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट। कोंडागांव एक आंगनबाड़ी भवन 4 वर्षों में भी नहीं बन पाया। इंजीनियर ने कहा कि गुणवत्ता विहीन बना है आंगनबाड़ी भवन। सचिव सरपंच के द्वारा 4 वर्षों से जारी गुणवत्ता खोज की। कोंडागांव जहां एक और विकास की बात होती है, लेकिन ऐसे में कैसे विकास हो जब एक भवन को बनाने में 4 साल लग रहा हो। ऐसा ही एक मामला जनपद पंचायत कोंडागांव के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत चिचडुंगरी का है, जहां 4 वर्ष पूर्व बन रही आंगनबाड़ी भवन जो आज पर्यंत तक पूरा नहीं हो सका है। 4 लाख की स्वीकृति राशि से बनने वाली आंगनबाड़ी भवन के लिए 2.5 लाख से भी अधिक राशि का आहरण भी हो चुका है, फिर भी आंगनबाड़ी भवन न अधूरा है। जितना निर्माण हो चुका है वह भी गुणवत्ता विहीन है, यह बात स्वयं सचिव एवं सरपंच स्वीकार कर रहे हैं। इंजीनियर ने कहा कि गुणवत्ता विहीन बन रहा आंगनबाड़ी भवन, जिसके चलते सरपंच सचिव ने द्वारा कार्य बंद कर दिया। तब से आज तक कार्य बंद पड़ा है, तब से सरपंच सचिव द्वारा 4 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण आंगनबाड़ी भवन बनाने की खोज की जा रही है, लेकिन गुणवत्ता अभी तक उनके हाथ नहीं लगी है। वही अब देखना यह है कि गुणवत्ता विहीन बने आंगनबाड़ी में लगी राशि को उच्च अधिकारियों द्वारा वसूली की कार्यवाही की जाती है, या उसी आंगनबाड़ी को गुणवत्तापूर्ण बताकर सचिव सरपंच को बचाने की कोशिश की जाती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन अधिकारी ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करेगा, या हमेशा की तरह लापरवाहों को बचाने की कोशिश जारी रहेगी। 4 साल हो गए हैं उसमें, तो 4 लाख का वो उसका सेंक्शन हुआ था, जिसमें 2.5 लाख रुपए आप लोग पेमेंट कर चुके हो, वो क्यों और कैसे क्यों किस लिए नहीं बन पाया उसको थोड़ा डिटेल में बताएं। वो सर मैं ना बीमार हो गया, इसलिए रुक गया था। अभी कार्य अभी बनवा लेंगे, अभी मतलब इस महीना के अंदर अंदर हो जाएगा, उसको ढलाई करवा देंगे। आपके बीमार होने की वजह से 4 साल से काम अटका रहा। हाँ, उसमें क्या है, वो मुख्य सरपंच मन को दिया था बनवाने के लिए, वो मन नहीं बनवाए, उसमें कई लोगों को पेमेंट भी नहीं हो पाया है। पेमेंट तो भी कर दिया हूँ अभी दीपावली में, जो बचा था उसको मेरी जेब से दिया हूँ, उनको मेरे पास आके चिल्ला रहे थे तब। ये गांव के कुछ लोगों का कहना है, जैसे तुलसी है, उसका कहना है कि मेरा कुछ पैसा वहाँ बचा हुआ है। तुलसी वो नहीं बचा है भैया, उसका ना 1-2 दिन का शायद बचा है अभी का। अभी जो हम लोग सेंटरिंग करवाए थे, इंजीनियर बोला कि इसको सेंटरिंग करा के ढलाई कर दो बोल के, और वो फिर चले गया। दूसरा वाला आया, नहीं इसमें गुणवत्ता का कमी है, थोड़ा हाइट करो बोला, तो फिर खोलवा दिए। उसी दिन का 2 दिन काम करवाया हूँ, उसका पेमेंट जो बचा है। कौन है अधिकारी? कौन है इंजीनियर? सचिन शर्मा है, पहले सचिन मिश्रा था। हाँ, उसको खोल के फिर थोड़ा सा 2-3 ईटा जोड़ना है, उसके बाद ढलाई करना है। यहाँ नल जल योजना के तहत टंकियों की के लिए जो आता है आपने, आपके यहाँ योजना, उसका कुछ लाभ नहीं मिला है आपके गांव को? नहीं मिला। आपने मांग किया था? हाँ किया था, बहुत बार किए हैं। नहीं, पहले ये माना जाता था कि ये जो गांव है चीज डोंगरी, पहले इसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता था, और यहाँ पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानते हुए इस क्षेत्र के विकास की बात की जाती थी। तो अब स्थिति इसमें भी मैं अपने आने के बाद से आपको जितने भी आपका निर्माण काम है, आंगनबाड़ी का काम है, ये जो पंचायत के काम है ना, वो हम सभी सरपंच सचिव का, जनपद सचिव का प्रॉपर मीटिंग लेकर के सभी काम शुरू करने के लिए निर्देशित किए हैं, और लगभग कोंडागांव के सभी पंचायतों में काम चालू हो गए हैं। चिचडुंगरी ये दौरे में कभी गए हैं क्या सर? अभी चिचडुंगरी नहीं जा पाया हमें, लेकिन आपका लगभग जो हम लोग सभी जगह काम स्टार्ट है, और इस टाइप का कहीं कोई दिक्कत है कोई या समस्या हो कि किसी पंचायत में काम शुरू नहीं हुआ है, तो हम जनपद सीओ से एक बार उससे पर रिपोर्टिंग हुई काम को तत्काल। 4 साल से आंगनबाड़ी वहाँ अधूरा है, और निजी मकान पर आंगनबाड़ी चलाया जा रहा है। आंगनबाड़ी का कार्य लगभग आधा हो चुका है और आधा बचा हुआ है, क्या कारण है, वो कब तक शुरू होगा? इसमें भी लगभग मेरे आने से पहले 209 आंगनबाड़ी का काम बिल्कुल बंद था, और आपका काम स्टार्ट नहीं था। अभी हमने सभी सचिवों को और सीओ लोगों का बैठक करने के बाद लगभग सभी आंगनबाड़ी जो कन्वर्जेंस के हैं वो शुरू हो गए हैं, लगभग 45 आंगनबाड़ी कंप्लीट हो गए हैं, और लगभग जो आंगनबाड़ी है वो जनवरी फरवरी तक कम्प्लीट हो जाएगा। CNI न्यूज कोंडागांव से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट। कोंडागांव मिशन क्लीन सिटी के लिए नगर में बट रहे डस्टबिन।
कोंडागांव राज्य शहरी विकास प्राधिकरण मिशन क्लीन सिटी के तहत जिला कोंडागांव में इन दिनों नगरीय निकाय प्रशासन के कर्मचारियों, वार्ड के पार्षद व अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा घर घर जाकर डस्टबिन बांटा जा रहा है। इसी क्रम में विकास नगर वार्ड में वार्ड पार्षद गीता गुप्ता, स्व सहायता समूह की सदस्य श्रीमती शिप्रा मंडल, श्रीमती माया पटेल, नगर पालिका के सहायक राजस्व निरीक्षक मकसूद खान, योगेश चौहान, संतोष नीताम के द्वारा डस्टबिन हर घरों में बांटने का कार्य जारी है। वही वार्ड पार्षद गीता गुप्ता का कहना है कि गीला व सुख कचरा डालने के हरा व नीला डस्टबिन बांटा जा रहा है। कचरा सड़क या घरों के आसपास में फैलाए डस्टबिन का उपयोग करें। वहीं नगर पालिका द्वारा हर दिन कचरा वाहन आएगा, उसमें ही कचरा डालें। CNI न्यूज कोंडागांव से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।